आज की कक्षा में हम पाइथागोरस त्रिक या अंग्रेजी में कहें पाइथागोरस ट्रिपलेट की चर्चा करने जा रहे हैं। यहां हम दो त्रिभुज देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज हैं ये। इनमें ए बी है, ये है लंब, ये आधार है और ये कर्ण है। तो इन तीन तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है? ये लंब का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर या वर्ग बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर या वर्ग के। यहां भी हम देखेंगे ये 5 का वर्ग जोड़ 12 का वर्ग बराबर होगा 13 का वर्ग। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं, यहां है 3, 4, 5 और यहां है 5, 12, 13। इस तरह का जो त्रिक है, अर्थात तीन संख्याओं का जो समूह है, इसे हम पाइथागोरस त्रिक या पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। अब अगर हम इन संख्याओं को 2 से गुना कर दें तो ये हो जाएंगे 6, 3 दुना 6, 4 दुना 8 और 5 दुना 10। हम देखेंगे कि ये संख्याएं भी पाइथागोरस त्रिक हैं, क्योंकि इनका वर्ग 6 का वर्ग जोड़ 8 का वर्ग हम करेंगे तो 10 का वर्ग मिलेगा। अगर इसका हम 3 गुना करेंगे, 3 गुना, तो ये हो गए 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो इस तरह से हम इस एक त्रिक से अनंत त्रिक बना सकते हैं। फिर यहां भी ऐसे ही हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पाते हैं कि चूंकि प्राकृत संख्याएं अनंत हैं, इसलिए पाइथागोरस त्रिक भी अनंत हैं। प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स या प्राथमिक त्रिक हैं, ये क्या होते हैं? हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स हैं, तो इनकी विशेषता ये है कि अगर हम इस ट्रिपलेट को लेते हैं और अगर किसी संख्या से भाग देकर इसे और छोटा करने की कोशिश करें तो ये नहीं होगा, ये बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर हैं। जैसे एक हम लेते हैं 6, 8, 10, ये भी एक ट्रिपलेट है। इसे अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये आ जाता है 3, 4, 5। तो ये 6, 8, 10 प्रिमिटिव या प्राथमिक त्रिक नहीं है, लेकिन ये हैं क्योंकि अब इनको और हम छोटा नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये जो प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स या प्राथमिक त्रिक हैं ये भी अनंत हैं, किंतु ये 100 तक में हमारे 16 प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स हैं या प्राथमिक त्रिक हैं, और इन प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स से हम अनंत ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। आइए अब हम पाइथागोरस त्रिक का एक सामान्य रूप निकालने की या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो सर्वसमिका एक हम लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर्वसमिका हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि दोनों ओर -4ab कर देते हैं या घटा देते हैं 4ab। तो ये इधर हो गया और बाई ओर ये हो गया और ये दाहिनी ओर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर -4ab, इधर भी हमने घटा दिया। अब ये हमारा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, बाई ओर -4ab। दाहिनी ओर हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने 4 -4ab किया था, इसे हम लिख दे रहे हैं -2ab
माइनस टू ए बी, ऐसा हम कर सकते हैं। तो इससे हम क्या हो रहा है कि ये प्लस टू ए बी और ये माइनस टू ए बी ये कैंसिल हो गया, तो अब हमको मिलता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी इक्वल टू, यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये एक दूसरी सर्वसमिका हमें मिल जाती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ए के जगह पर ए स्क्वायर, ए के जगह पर ए स्क्वायर, और फिर से लिखते हैं अब जो हम करने जा रहे हैं ए के जगह ए स्क्वायर और बी के जगह बी स्क्वायर रखने जा रहे हैं, तब देखते हैं ये समीकरण का रूप क्या होता है। तो यहां हमने रखा ए स्क्वायर बी के जगह बी स्क्वायर ये होल स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में हम फिर से मान बैठाते हैं ए के जगह m और b के जगह 1, तो अब ये समीकरण का रूप हमारा हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर मींस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 m स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर होगा, तो फिर वही रह जाएगा 4m स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, और इसे हम पुनः लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, और एम स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, ये जो बाईं तरफ माइनस फोर एम स्क्वायर था ये दाहिनी ओर आ गया तो ये प्लस हो गया फोर एम स्क्वायर। इसे इस तरह से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं एम स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर प्लस फोर, फोर एम स्क्वायर है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं टू एम होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि हमारा सामान्य रूप पाइथागोरस त्रिक का मिल गया, और वह समान रूप क्या हो गया, सामान्य रूप ये सामान्य रूप अर्थात पाइथागोरस त्रिक का सामान्य रूप यहां हो गया एम स्क्वायर माइनस वन टू एम और एम स्क्वायर प्लस वन। तो यहां पर एक चीज और हम देख गौर कर रहे हैं कि एम स्क्वायर प्लस वन ये जो हमारा ट्रिक का जो सदस्य है ये सबसे बड़ा है, इन तीनों में सबसे बड़ा है। आइए अब पाइथागोरस ट्रिक को समझने के लिए एक उदाहरण की सहायता लेते हैं। ये उदाहरण है एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो त्रिक में हमने देखा था जो सामान्य रूप था वो था एम स्क्वायर माइनस वन टू एम और था एम स्क्वायर प्लस वन। तो ये हमने देख लिया था अभी कि एम स्क्वायर प्लस वन इस त्रिक में सबसे बड़ी संख्या होती, तो हमें निकालना है सबसे छोटी संख्या। तो या तो इसमें हम मान बैठाएंगे या फिर इसमें, तो हम बारी बारी से दोनों में बैठा के देखते हैं। सबसे पहले हम यहां एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एट ये करके देखते हैं, तो इंप्लाइज एम स्क्वायर इक्वल टू एट प्लस वन इक्वल टू नाइन implies m square to square root of 9, 9 का वर्गमूल, तो ये आ गया 3। तो इसलिए हमारा 2m हो जाएगा 2 into 3 is equal to 6,
और एम स्क्वायर प्लस वन ये हो जाएगा 3 का वर्ग जोड़ 1, यानी 3 3 9 और 1 10। तो इस तरह से हम देख रहे हैं हमारा त्रिक मिल गया कौन सा, 6 8 और 10, 6 8 और 10 ये त्रिक मिला। लेकिन हमें निकालना था सबसे छोटी संख्या 8, लेकिन यहां सबसे छोटी संख्या 8 नहीं है। तो अब चलिए हम 2m बराबर 8 रख के देखते हैं। तो इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 8 बाई 2, ये हो गया हमारा 4। और m स्क्वायर -1 ये हो जाएगा 4 का वर्ग घटाओ 1, यानी 4 का वर्ग हो गया 16 घटाओ 1 15। और इसके बाद एम स्क्वायर प्लस वन ये हो जाएगा 4 का वर्ग जोड़ 1, यानी 16 और 1 17। तो हमारा त्रिक यहां पर क्या हो जा रहा है, 8 15 17। तो हमें सबसे छोटी संख्या 8 थी इस त्रिक की, तो यहां भी वही है। तो ये हमारा अभीष्ट त्रिक त्रिक जो है वो मिल गया, अभीष्ट यानी जो हमें प्राप्त करना था, ये हमारा त्रिक है। हम एक और उदाहरण लेते हैं। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 5 है। तो त्रिक का हमारा सामान्य रूप है 2m m² -1 और m² +1। तो बारी बारी से इन तीनों में हम मान 5 बैठाएंगे और देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले हम टू एम इसकल टू 5, तो यहां हमारा एम इसकल टू आ जाएगा 5/2। लेकिन ये तो प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये अब हम फिर से इस वाले में बैठाते हैं 5, m² -1 = 5। तो अब यहां देखते हैं m² = 5 जोड़ 1 बराबर ये 6 हो गया, और m हो जाएगा 6 का वर्गमूल। लेकिन चूंकि 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो अब हम m² + 1 + 1 = 5 बैठाते हैं। तो ये अब होगा m² = 5 घटाओ 1 = 4, और m बराबर हो जाएगा 4 का वर्गमूल अर्थात 2। तो m का ये मान संभव है। तो अब हम फिर से m का मान यहां पर बैठा के देखते हैं क्या आता है। तो 2m² हो जाएगा 2 × 2 = 4 या 4। m² - 1 इसकल टू हो जाएगा 2 का वर्ग घटाओ 1 अर्थात 3। m² + 1 इसकल टू 2 का वर्ग जोड़ 1 = 5। तो ये हमारा त्रिक मिल गया 3 4 5। इसलिए ये जो हमारा सामान्य रूप दिया गया है, इस तरह से हम सभी त्रिक को नहीं निकाल सकते हैं। जैसे 5 12 13, इस त्रिक को हम इस प्रकार से नहीं निकाल सकते हैं। यह याद रखना है, फिर से एक बार बोल रहे हैं, इस रूप का उपयोग करते हुए सभी पाइथागोरस त्रिक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आशा है कि ये पाइथागोरस त्रिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।